जड़ होती है शाखाओं की, उस टाइप का जड़ है। देखिए यूनिक मूर्ति है, मेरे ख्याल से लग रहा है इस बार की सबसे यूनिक मूर्ति यही रहेगी। ये देखिए लगभग बाबर हाथी है, खूब सारे चूहे हैं, ये देखिए बड़ा यूनिक लग रहा है। गणेश देखिए बाल गणेश रूप में है, फिनिशिंग काम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए इसकी तस्वीर भी है, इसी प्रकार से बनाया जा रहा है। हाय दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवटल व्लॉग्स में। और दोस्तों हम लोग एक बार फिर थौनौत पहुंच चुके हैं और देखिए क्या ज़बरदस्त मौसम है, क्या मौसम सुहाना है। सुबह से बारिश हो रही थी और अभी बारिश बंद हो गई है। और अभी हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं थौनौत के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास, यानी बालम चक्रधारी के पास। और यहाँ काफ़ी सारी मूर्तियाँ बन रही है, थोड़ी सी इस बार कम बन रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ मूर्तियाँ बन रही है और सबसे बड़ी मूर्ति कितने फीट की है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे से दिखाता हूँ बालम चक्रधारी की मूर्तियाँ। दोस्तों ये है तालाब के पास का बालम भैया का साइट और सामने देख सकते हो आपकी मूर्तियाँ बन रही है। अभी थोड़ा कच्चा काम चल रहा है ये देखिए, और काफ़ी सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर के भी बने हुए लकड़ी के फाउंडेशन। और बारिश का मौसम है, बारिश वगैरह तेज़ हो रही है तो अभी बाहर में मूर्तियाँ कम है क्योंकि भीग भीग जाती मूर्तियाँ। तो अभी ये देखिए दो मूर्तियाँ आपको बाहर में नज़र आएगी, मेरे ख्याल से लगभग 8 फीट के आसपास होगी ये। और ये मूर्ति अभी देखिए इसका सर नहीं बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर भी दिखाते हैं किस प्रकार की मूर्तियाँ बन रही है। और ये देखिए दोस्तों क्या ज़बरदस्त मूर्तियाँ, ये कच्चा काम चल रहा है मट्टी में सुखाए हैं, ये देखिए फिनिशिंग काम हो रहा है, क्या ज़बरदस्त गणेश है। 10 फीट के आसपास तो होगा मेरे हिसाब से। उसके पीछे भी काफ़ी ज़बरदस्त मूर्ति है, देखिए गणेश जी सामने हैं और उसके पीछे हाथी का बहुत बड़ा सर है, कच्चा काम चल रहा है। यहाँ पर एक भैया भी हैं जो मूर्ति को फिनिशिंग कर रहे हैं, देखिए सूंड बना रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, स्टेप बाई स्टेप होता है गणेश का काम, तो पूरा कच्चा काम हो रहा है। तो कच्चा काम पर थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है, कच्चा काम खत्म होने के बाद फिर वाइटिंग वगैरह लगेगा सूखा काम। यहाँ पर एक मूर्ति है लगभग 10-12 फीट की होगी, महाराष्ट्रियन लुक में जो पेशवा होता है, पेशवा विट्ठल टाइप का, देखिए उस टाइप का यहाँ पर इसका टोपी बना हुआ है, जैसे बाजीराव मस्तानी फिल्म देखे होंगे रणवीर कपूर टाइप का दिख रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये गणेश जी कच्ची मिट्टी में, और ये भैया देखिए थोड़ा सा गैस के आग से टॉर्च से थोड़ा सुखा रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों का जब तक सूखेगा नहीं तब तक आगे का काम नहीं होगा। ये गीला काम थोड़ा सा ज़्यादा वो दिक्कत करता है, और गीले काम से फिनिशिंग आती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आग से सुखाया जा रहा है। यहाँ पर एक और बहुत बड़ा गणेश है, महाराष्ट्र बाल गणेश में चल रहा है।
दोस्तों यहाँ की अधिकतर मूर्तियाँ गुरु और भिलाई क्षेत्र में ज़्यादा जाती हैं, बाहर से भी आते हैं उड़ीसा वगैरह से, यहाँ पर मूर्तियाँ थोड़ी कम लग रही हैं। तो यहाँ पर गणेश जी के कान बनाए जा रहे हैं, देखिए फिनिशिंग हो रहा है, ये भाई कान बना रहे हैं। दोस्तों ये मूर्ति कुछ यूनिक है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए गणेश जी हैं जो कि शंकर जी नजर आ रहे हैं तपस्या करते हुए, और देखिए उनके पूरे शरीर में लट है, खास ये जड़ होती है शाखाओं की, उस टाइप का जड़ है। देखिए यूनिक मूर्ति है, मेरे ख्याल से लग रहा है इस बार की सबसे यूनिक मूर्ति यही रहेगी। शरीर में देखिए चढ़ है कि लट है, कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। बड़ी गणेश मूर्तियाँ वाइटिंग लग चुका है उसमें, और देखिए क्या जबरदस्त मूर्तियाँ हैं, इनकी लगभग 12-14 फीट के आसपास होगी, और इनमें जो आर्च बना है उसका क्या कहना, बहुत ही अद्भुत है। देखिए इस मूर्ति में भारत माता और ये शिवाजी,